हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑफ लिटिल मास्टर पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर नंबर 14 ऑफ मैथ सब्जेक्ट फॉर द क्लास सेकंड, व्हिच इज बर्ड्स कम बर्ड्स गो। वापस से हम एक बार और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में आ गए। इससे पहले के चैप्टर में सपोज मतलब कि आई थिंक 12 या 13 चैप्टर में हमने 12 चैप्टर में हमने एक चैप्टर रीड किया था। क्या था? गिव एंड टेक, जो किससे रिलेटेड था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन थे। सेम ये चैप्टर भी उसी के बेस पर है, ठीक है। कम मतलब आना और गो मतलब जाना। अब जब सपोज आपका घर है, ठीक है, आपकी फैमिली है, उसमें अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उससे क्या फैमिली मेंबर के जो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं ना, मतलब बढ़ जाते हैं। जब फैमिली में गेस्ट आते हैं तो क्या होते हैं, जो भी सदस्य है उनके नंबर बढ़ जाते हैं, राइट। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, एडिशन, ठीक है। जब वही गेस्ट या फिर हमारे घर से कोई दूसरे घर में चला जाता है या किसी के यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, मतलब चला जाए हमारे घर से कोई गया, ठीक है, तो वो चीज क्या, तो वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट। तो वहां पे जाना मतलब कि सब्ट्रैक्शन। आया समझ में? कम मतलब एडिशन और गो मतलब सब्ट्रैक्शन। सेम वही चैप्टर है, यहाँ पे भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे कि 6 + 5 है, तो 6 + 5 किस तरह काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब 5 है तो 1 2 3 4 5। अब जहाँ पे हमारा 5 आके और 6 आके रुक गए, वहां से हम रिवर्स काउंटिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मिला के कितना हो रहा है, 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब 11 में 2 डिजिट होते हैं, तो हम जो वंस की प्लेस में होता है वो नीचे, वंस की प्लेस में होता है वो नीचे, और टेंस की प्लेस में होता है वो ऊपर। तो वंस और यहाँ पे टेंस। अब 1 + 1 1 + 1 2, अब 2 + 2 4, ये तो आप कर ही सकते हो, 1 1 1 1 1 2 3 4, ओके। तो इस तरह आप कैरी वाले, विथ कैरी और विदाउट कैरी, इस तरह सॉल्व कर सकते हो। पूरे चैप्टर में यही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सब आपको सॉल्व कर लेने हैं। वही मेथड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, जो आपने चैप्टर नंबर 12 में सीखी थी वही सेम मेथड है, ठीक है। तो उसी मेथड से आपको ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने हैं, ओके। यहाँ पे भी वही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। और अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है आपका, यहाँ पे देखो क्या है, ट्रीज वेयर मोर देन ट्रीज वेयर हाउ मैनी मोर। तो यहाँ पे देखो, ये वाले ट्रीज कितने हैं, 90 है, देखो ये रहे, और ये वाले ट्रीज कितने हैं, 82 है। तो मोर कित बोला है, तो हम क्या करेंगे, 90 में से 82 कट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि स्मॉल नंबर से बिग नंबर कट नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे ऊपर। तो यहाँ पे 0 है तो 0 का 0, और इससे 1 बोरो करेंगे तो ये 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2, अब इसके पास तो कम होगा ना, जब उसने इसको दिया है, तो इसके पास हो जाएगा 8। तो 10 में से 2 कट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 2 कट करना है, 1 2। अब देखो यहाँ से जितने बचे वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे रिमेनिंग, 8। तो राइट डाउन हियर 8। अब आपको याद होगा कि जब यहाँ पे इसका कम हो गया था तो मतलब 8 हो गया, तो 8 में से 8 कट, 0, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आंसर, मतलब कितने ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ड्रॉ द ट्री विच इज द लीस्ट इन नंबर, मतलब सबसे कम कौन है, कौन से ट्री है, तो 68, ये वाले ट्री को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये वाला यहाँ पे। चिल्ड्रन प्लांटेड सम मोर, ये वाला ट्री मतलब 75 ट्री है, टू मेक मतलब 75, मतलब कि हमें कितने ऐसे ट्री और ड्रॉ करने पड़ेंगे, मतलब प्लांट करने पड़ेंगे कि इसको 100 हो जाए। तो सबसे अच्छा मेथड है, 100 में से 75 को कट कर दो, ओके। अभी वही मेथड, के 0 में से 5 कट नहीं होगा तो 10 कैरी, अब ये ऊपर 10 बनता है, तो अब 1 ले लिया तो 9 हो जाएगा, ठीक है।
तो 10 में से 5 कट 5, 9 में से 7 कट 2, और ये तो 1 तो गया है क्योंकि 10 का ही 9 हुआ है, ठीक है। तो 25 ट्रीज अभी हमें और ग्रो अप करेंगे, मतलब उगाएंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, 100। ओके, तो चलो बच्चों इसी से, मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपने पेरेंट्स या अपने घर में किसी भी बड़े की हेल्प से नोटबुक में सब्ट्रैक्शन और एडिशन लिखवा लेने हैं और उसे खुद से सॉल्व करते रहने हैं, तो इससे आपका बेस है जो वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।